गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पर चैप्टर शेम द प्रोडिगल सन। प्रोडिगल का मतलब होता है यूस इंसान फजूल खर्ची कर वारिया ज्यादा। द प्रोडिगल सन इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ पेरेंट्स। ये इमन पेरेंट्सन कहानी इमन मतलब अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और वो उसको माफ करना भी जानते हैं। द आलमाइटी हैज ब्लेस्ड मैनकाइंड विद इन अम्प्टीन बाउंडीज एंड ब्लेसिंग्स। जो भगवान अनगिनत ब्लेसिंग बट द मोस्ट लवेबल फॉर देम इज सेल्फलेस लव। तम सारे खुद असल प्यार करा अपने आस पास लोगों को निस्वार्थ रूप में केयर एंड शेल्टर प्रोवाइडेड टू अस बाय अवर पेरेंट्स। और जो हमारे माता पिता निस्वार्थ रूप से हम बच्चों को प्यार करते हैं वो सबसे अलग ही निराली है। द स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। रिपेंटेंस ऑन बिहाफ ऑफ मैन इज ओनली वे टू अटोन फॉर द सिंस। इस स्टोरी में हमें उस भगवान की दया और उसकी ग्रेस जो है उसके बारे में पता चलता है। पछतावा होता है हमारी अपनी लाइफ में अपने पापों पर करना पड़ता है। ये स्टोरी हमें उसके बारे में भी बताएगी। देयर वॉज ए रिच मैन हू हैड टू सन्स। एक अमीर व्यक्ति था जिसके दो बेटे थे। ही लव्ड हिज सन वेरी मच। वो अपने दोनों बेटों से बेहद प्यार करता था। एल्डर सन वॉज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडेंट। जो उसका बड़ा बेटा था वो बहुत ही परिश्रमी और आज्ञाकारी था। One younger wanted to enjoy without working hard. छोटा बेटा सिर्फ मस्ती खोर था, मेहनत नहीं करना जानता था वो। सो सिर्फ करे उषा आराम मेहनत करे नहीं की बोर्ड उस बारे मेहनती। ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो फ्री लाइफ जीना चाहता था, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता था। ही डिडंट वॉन्ट टू शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड एन आई ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। सो उसने कहा कि जिम्मेवारी तुलना से खतर तैयार क्या तम सासा कि तम सोच वह अमीर पे अमीरी छ रोजा अति की। ही सैड टू हिज फादर, फादर गिव मी द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी। उसने अपने पिताजी से कहा मुझे अपनी संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इनहेरिटेंसेस वर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड। पैतृक संपत्ति तब बांटी जाती थी जब पिताजी का निधन होता था, लेकिन उसने उससे पहले उसकी मांगी। दिस ब्रेजन डिमांड फॉर एन अर्ली डिविजन ऑफ एस्टेट वॉज सेल्फिश एंड इमैच्योर। ये जो इसकी मांग थी वक्त से पहले ही बंटवारे की वो बहुत ही खुद ये थी खुद के लिए और वो स्वार्थी था उसके लिए। इमैच्योर होता है जो जिसको पता ही नहीं होता है वो क्या करता है। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स। लेकिन वो अपने बेटे से इतना प्यार करता था उसने उसकी खुशी के लिए अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। नॉट अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड द यंगर सन ट्रेवल टू अ डिस्टेंट लैंड। और फिर कुछ समय के बाद ही उसका छोटा बेटा वहां से दूसरे देश में चला गया, दूर चला गया। वेयर ही वेस्टेड हिज मनी। उसने अपनी सारी दौलत व्यर्थ गवा दी। ही लेविशली डाइंड वाइंड एंड गैम्बल्ड। उसने बहुत ही उमदा खाना खाया, शराब पिया और बहुत ही जुआ खेला। एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंड इवन द लास्ट पेनी ही ऑलमोस्ट स्टार्व्ड। जब दिन ब दिन मेहनत किए बिना ये जो खजाना भी खत्म हो जाता, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, वो मरने की कगार पे आ गया। देयर केम अ टेरेबल फेमाइन थ्रू आउट द कंट्री दैट मेड लिविंग हार्श। और इसी के दौरान अकाल सूखा पड़ गया, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, इससे और जिंदगी मुश्किल पड़ी। ही हैड नो मनी। उसके पास पैसे नहीं थे। नो होम टू लिव एंड नथिंग टू ईट। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर ना बार ना पैसे। ही बैडली नीडेड जॉब। उसको नौकरी की जरूरत थी। सो ही वेंट एंड हायर हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। उसने अपने आप को वहां पर किराए पर रहने लगा उस देश के एक नागरिक के घर। हु सेंट हिम ऑन हिज फील्ड्स टू फीड एनिमल। उसने उसको काम दिया अपने खेतों में अपने पशुओं को फीड कराने का, उनको चारा वारा खिलाने का काम। ही लॉन्ग टू मेक अ मील फॉर द पॉड्स द एनिमल्स वर ईटिंग बट नो वन गेव हिम एनीथिंग। वो चाहता कि वो उसको भी कुछ खाने को मिल जाता बट उसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.